दोस्तों, अगर आप दिल्ली आते हैं और अगर आपने ये जगह नहीं देखी तो आपने दिल्ली में क्या ही देखा। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस के बारे में। ये दिल्ली के सबसे बड़े शॉपिंग हब्स में से एक है और इस वीडियो में मैं आपको सीपी में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ की टिकट प्राइस, टाइमिंग्स, लोकेशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो। कनॉट प्लेस की लोकेशन दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। यहाँ घूमने की जो 10 जगह आप घूम सकते हैं वो हैं सेंट्रल पार्क, पालिका बाजार, जंतर मंतर, प्राचीन हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, उग्रसेन की बावली, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स, चरखा म्यूजियम, मेट्रो म्यूजियम और जनपद मार्केट। पार्किंग की बात की जाए तो वो होगी NDMC पार्किंग, जिसके रेट्स होंगे 2-व्हीलर के 10 रुपये एक घंटे के और 4-व्हीलर के 20 रुपये एक घंटे के। अब धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा सीपी घुमाता हूँ। देखिए, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा एरिया है चलने फिरने का, और मैंने देखा है कि दिल्ली के बहुत ही कम ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आपको शॉपिंग के लिए दिखेंगे। मॉल्स में शॉपिंग करना एक अलग चीज़ होता है और यहाँ शॉपिंग करना एक अलग चीज़ होता है। देखिए, लिवाइस का स्टोर है, प्यूमा का स्टोर है, इसके अलावा जैक एंड जोन्स का स्टोर है, वुडलैंड का स्टोर। मैंने देखा एक नहीं, लिवाइस, प्यूमा, चाहे कोई भी ब्रांड हो, ज़्यादातर उनके दो ही स्टोर लग रहे हैं मेरे को। ये सामने अजमल परफ्यूम्स का स्टोर है, फिर मुफ्ती का स्टोर है, आगे बहुत बड़ा एरिया है। चायोज़ है इधर, प्यूमा मिल जाएगा आपको, इसके अलावा सोनी का स्टोर है, अलन सोली का स्टोर है। देखिए, आपको यहाँ पे नानदोज भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये स्मार्ट बाइक लेके भी कनॉट प्लेस घूम सकते हैं। तो ये QR कोड वगैरह स्कैन करके आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी, तो इससे भी आप घूम सकते हैं कनॉट प्लेस। ये देखिए, स्मार्ट बाइक के चार्जेस लिखे हुए हैं, फर्स्ट 30 मिनट्स के 10 रुपये प्लस 18% GST और एडिशनल 30 मिनट्स के 15 रुपये प्लस 18% GST। काफ़ी बड़ी एरिया है और बहुत ज़्यादा, मतलब लंबी वीडियो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही एरिया दिखाऊंगा मैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है खादी हाट, श्री हनुमान मंदिर वाटिका और प्राचीन हनुमान मंदिर वो रहा सामने। थोड़ा पास जाके आपको प्राचीन हनुमान मंदिर दिखाते हैं। ये रहा देखिए सामने प्राचीन हनुमान मंदिर। तो आसपास कई छोटी मोटी दुकानें भी आपको मिल जाएंगी और एक दो और मंदिर हैं इसके साथ में। तो ये जो मंदिर है सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 11 बजे तक खुला रहता है। कनॉट प्लेस का जो गोल चक्कर है उसके थोड़ा सा साइड पे आपको दिख जाएगा, चरखा म्यूज़ियम के थोड़ा सा साइड में आपको दिख जाएगा ये मंदिर। तो ये सामने शू हाउस है, जूता घर है और निःशुल्क आप रख सकते हैं जूते अपने यहाँ पे। अभी महाशिवरात्रि के टाइम पे हम आए हैं। ये पूजा सामग्री वगैरह भी आपको मिल जाएगी इस तरफ, तो ये भी खरीद सकते हैं आप। छोला, लंगोट, सिंदूर, जनेऊ सब मिल जाएगा आपको यहाँ। और आसपास खाने की दुकानों की बात की जाए तो ये आपको मिलेंगे श्री हनुमान कचौड़ी और जय श्री राम। यहाँ पे आप ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कुल्लड़ चाय, कुल्लड़ लस्सी वगैरह पी सकते हैं। इस तरफ भी श्री राम कचौड़ी है। प्राचीन हनुमान मंदिर के साथ आपको प्राचीन शिव एवं नवग्रह मंदिर भी दिख जाएगा, बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली में। तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं चाहें तो। इस तरह से बीच में भी मार्केट सी लगती है तो इधर से भी खरीद सकते हैं आप सस्ते दाम में। ये सामने आप देख रहे हैं ये है PVR रिवोली, तो यहाँ अंदर भी बैठ के आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। ये आपको प्राचीन हनुमान मंदिर के पास मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से टिकट ले सकते हैं आप। अभी ये फिल्में चल रही हैं शैतान और, अच्छा, शैतान ही चल रही है अभी, तो ये भी देख सकते हैं। इधर से एंट्री है, जो टाइमिंग होगा उसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे फिल्म्स। बहुत सी दुकानें जो आपको दिखेगी हैं, देखिए टैटू स्टूडियो हो गया, कपड़ों की दुकानें होगी, खाने पीने की कैफेज़, रेस्टोरेंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। सस्ता भी मिल जाएगा, महंगा भी मिल जाएगा। और ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये इंदिरा चौक है, यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है सॉफ्ट बॉय आइसक्रीम, तो इधर आइसक्रीम भी खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ डोमिनोज पिज़्ज़ा है और कैफ़े कॉफ़ी डे भी है और बेल्जियन वेफल भी है यहाँ पे। तो बहुत से आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी देखने को मिलेंगे। और एक इस जगह पे क्या, एक और जगह पे भी आपको डोमिनोज का ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा, ये कैफ़े कॉफ़ी डे है। और ये रहा सामने मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स भी आपको एक और जगह पे भी मिल जाएगा। एक तो ये है, ये आपको प्राचीन हनुमान मंदिर के पास मिल जाएगा, चरखा म्यूजियम के पास मिल जाएगा और भाटा का यहाँ पे स्टोर है। तो इस तरफ यहाँ इन्होंने देखिए सबवे से बनाया हुआ है, अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो सबवे का यूज़ कर सकते हैं आप। और अभी हम जा रहे हैं जंतर मंतर की तरफ,
ये सामने पिंड बलूची रेस्टोरेंट एंड बार है, तो इधर भी आप वेज और नॉन वेज खाना है जो खा सकते हैं। चलने फिरने की अलग अलग एरिया बना रखी है, इधर से भी चल सकते हैं या चाहें तो आप इस तरफ से भी चल सकते हैं। बहुत ही बड़ी एरिया है कनॉट प्लेस के। फिर आपको इस तरफ ये जनपथ लेन दिखेगी और ये जो मार्केट है ये जनपथ मार्केट है, ये आपको जंतर मंतर के पास मिल जाएगी जनपथ मार्केट, तो इधर भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो मार्केट देख रहे हैं जनपथ मार्केट है, ज़्यादातर कपड़े ही ले रहे हैं लोग यहाँ पे। अब हम आपको लेके आ गए जंतर मंतर और ये आपको द पार्क होटल के बिल्कुल सामने दिखेगा, जनपथ मार्केट के पास में दिख जाएगा जंतर मंतर। तो यहाँ की क्या टिकट प्राइस है, टाइमिंग्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो जंतर मंतर है महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था और इधर पीछे आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा, तो टिकट प्राइस क्या है बता देता हूँ आपको मैं। एंट्री वैसे यहाँ सामने से है, इधर लिखा हुआ है कि वीडियो फिल्मिंग फ्री होगी 25 रुपये की, एंट्री इज़ फ्री फॉर चिल्ड्रन अप टू 15 ईयर्स एज और टाइमिंग होगी सनराइज़ टू सनसेट, यानी आप कह सकते हैं 6 बजे से लेकर 6 बजे। टिकट प्राइस की बात करें तो अगर आप कैशलेस टिकट लेते हैं यानी ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो 20 रुपये की टिकट पड़ेगी, और ऑफलाइन टिकट लेते हैं कैश के साथ तो 25 रुपये की टिकट पड़ेगी। इसके अलावा फॉरनर विजिटर्स की टिकट होगी 250 रुपये और 300 रुपये ऑफलाइन यानी कैश। तो देखिए ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपनी टिकट ले सकते हैं। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, जंतर मंतर के अंदर जाना है तो टिकट लेनी ही पड़ेगी आपको। ये देखिए ये रहा सामने जंतर मंतर, तो बहुत बड़ा है, तो ये भी है एक CP में जगह जो आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सबवेज बनाए हुए हैं, तो अगर आपको क्रॉसिंग करनी है तो सबवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इधर यहाँ पे लोग कबूतरों को खाना दे रहे हैं, देखिए पीछे इस तरफ चरखा म्यूजियम है, उस तरफ चलते हैं। हम गाड़ी अपनी गलत जगह पे पार्क करेंगे तो इस तरीके से ये उठा लेंगे। इधर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कनॉट प्लेस के एरिया में, तो चाहे वो 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो अपना जो व्हीकल है ठीक जगह पे लगाएं। तो ये हम चरखा म्यूजियम के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ पे आपको बड़ा सा चरखा दिख जाएगा, तो चलिए पास चलते हैं। ये देखिए ये रहा सामने चरखा म्यूजियम, तो चरखा म्यूजियम के क्या टिकट प्राइस टाइमिंग है वो पहले बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चरखा म्यूजियम का ओपनिंग टाइम है 10 बजे और ये 7:30 बजे तक खुला रहेगा। एंट्री टिकट होगी 20 रुपये की जो कि 30 मिनट्स के लिए वैलिड है, और आप चाहें तो चरखा खरीद भी सकते हैं, सेल के लिए भी आप ले सकते हैं, और खादी इंडिया का शोरूम उस तरफ है उधर से भी आप ले सकते हैं चरखा वगैरह आप चाहें तो। यहाँ सामने से एंट्री है चरखा म्यूजियम की, इधर लिखा है पहले टिकट अपनी ले लें फिर ही आप जाएंगे आगे। ये सारा चरखा म्यूजियम का एरिया, तो अंदर जाके आप काफ़ी कुछ देख पाएंगे। तो चरखा म्यूजियम के अंदर आप 14 अलग अलग टाइप के चरखा हैं जो देख सकते हैं, और ये जो चरखे हैं इनसे ही खादी प्रोडक्ट हैं जो बनाए जाते थे। चरखा म्यूजियम में कम लोग जाते हैं लेकिन म्यूजियम ऑफ इल्यूजन है वो सच में देखने वाला है। देखिए सामने आपको स्टारबक्स कॉफ़ी मिल जाएगी और फैब इंडिया भी है इस तरफ, सारा मतलब कह सकते हैं यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया कनॉट प्लेस का एरिया। पालिका बाज़ार के साथ में आपको पालिका पार्किंग भी दिख जाएगी, तो इधर भी पार्किंग कर सकते हैं। ये रहा देखिए पालिका बाज़ार, आप ये ऑटो वगैरह लेके यहाँ तक आ सकते हैं। उसके अलावा पालिका बाज़ार के अंदर जाने के कई गेट्स हैं, एक ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 1 उस तरफ है, और ये सारी बैठने की एरिया है इस तरफ। ये देखिए यहाँ सामने से पालिका बाज़ार के अंदर की एंट्री है, मैं पहली बार जा रहा हूँ पालिका बाज़ार के अंदर। ये सारी पालिका अंडरग्राउंड मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा दुकानें आपको मिल जाएंगी यहाँ। थोड़ा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही आपको दिखा पाऊँगा मैं। इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है, इसके अलावा यहाँ पे PS4 PS5 गेम मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, अंडरग्राउंड भी एरिया आपको मिल जाएगी कनॉट प्लेस में। आपको यहाँ KFC भी मिल जाएगा, देखिए ये रहा सामने KFC, देखिए ये रहा सामने दूसरा मैकडोनल्ड्स, टाको बेल भी मिल जाएगा आपको यहाँ। इसके अलावा स्टारबक्स कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगी और बिरयानी ब्लूज़ भी आपको मिल जाएगी। खाने पीने के मैंने देखा ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स खाने पीने के ही, बाकी थोड़ा सा बीच की तरफ से आप निकलेंगे तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिख जाएंगी। मैंने देखा CP थोड़ा पुराना सा हो गया लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, जगह जगह पे ऐसी पेंटिंग्स भी दिख जाएंगी जहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स और इसकी लोकेशन है A Block 30-33 फर्स्ट फ्लोर राजीव चौक कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में। तो म्यूजियम ऑफ इल्यूजन आने के लिए सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन आपको राजीव चौक का पड़ेगा, आपको गेट नंबर 8 से एग्जिट लेना है, वहाँ सामने गेट नंबर 8 है राजीव चौक का,
और वहाँ से चलते चलते आपको यहाँ सामने दिख जाएगा म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स। तो ये सामने है म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन, यहाँ से एंट्री है म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन की। ये सारी टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, मंडे टू फ्राइडे यानी वीकडेज़ में 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे, और सैटरडे टू संडे 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक खुला रहेगा। चलिए ऊपर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर ये म्यूज़ियम है। वेलकम टू म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन न्यू दिल्ली। तो यहाँ अंदर आके आपको सबसे पहले यहाँ का टिकट काउंटर दिखेगा, फिर आपने अगर ऑनलाइन टिकट लिया तो आप सीधा ही एंट्री कर सकते हैं अंदर QR कोड दिखा के, और अगर आपने टिकट नहीं लिया ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ से टिकट आप ले सकते हैं। बाकी टिकट प्राइस की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे यानी वीकडेज़ में अडल्ट जिनकी 18 से ऊपर एज है उनके 650 रुपये की टिकट है, और चिल्ड्रन जिनकी 3 साल से ऊपर उम्र है उनकी 520 रुपये की टिकट है। ये देखिए कितने कमाल कमाल के यहाँ पे इल्यूजन्स हैं, सारे के सारे आपको दिखाएंगे। ये इन सबकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं सारे सारे इल्यूजन्स की, बहुत मज़ा आने वाला अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से एंट्री है। अंदर आके बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इवन ये रूफ भी एक टाइप का इल्यूजन ही लगता है, साइड पे इल्यूजन्स हैं, अलग अलग रूम्स बने हुए हैं और ऐसे में भी काफ़ी इल्यूजन्स हैं। ये देखिए इसको रोटेट करा और ये पूरा अंदर से निकल गया। टेढ़ा खड़ा या सीधा खड़ा? टेढ़ा ही खड़ा। ऐसे बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा तो यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाओ और उल्टी कर दो फोटो को, तो ऐसा लगेगा कि ये आपने उठाया हुआ है। तो ऐसे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ऑटो देखिए पूरा टेढ़ा हुआ पड़ा और रोड सी बनी हुई है, और जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो फ़ोटो को पूरा रोटेट कर दीजिए। देखिए ऐसे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, जब तक कौन सी दुनिया में आप। तो ये तो एंड ही नहीं हो रहा, इतना नीचे तक है, ऊपर से लेके नीचे तक इन्फिनिटी वेल बनाया और मैं इस पर खड़ा हो गया, लेकिन एंड ही नहीं हो रहा इन्फिनिटी वेल। तो आगे अब यहाँ पे है वॉर्टेक्स टनल, और ये यहाँ के बेस्ट इल्यूजन में से एक है। इसमें देखिए कैसी सी दुनिया है, और इसमें ना आप आगे चलते जाएंगे ना ऐसा लगेगा जैसे टेढ़ा हो रहे हैं आप, या ऐसा लगेगा आपको कि सिर आपका नीचे हो गया और पैर आपके ऊपर हो गया। तो चलिए वॉर्टेक्स टनल के अंदर चलते हैं। आगे है एम्स रूम, और एम्स रूम देखिए कैसा सा रूम है, ये साइड वाला बड़ा लग रहा है और ये साइड वाला छोटा लग रहा है, और ऐसे फोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये क्या है पता ही नहीं चल रहा होगा है क्या है, बट जब आप पीछे आएंगे थोड़ा इस कॉर्नर पे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली में एक चेयर जैसे बन जाती है। तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा और एक बंदा पीछे खड़ा होगा और फोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये क्या इस तरफ, यहाँ पे अगला इल्यूजन है बिल्डिंग इल्यूजन। तो एक्चुअली में ऐसा फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आप, लेकिन इस पे आपको लेटना होगा, तो लोग फ़ोटो खींच के देंगे। तो ये सामने है क्लोन टेबल, और इसमें देखिए कैसे उड़ रहे हैं ताश के पत्ते। एक्चुअली में बस एक यही टेबल है और ये पड़े हुए हैं ताश के पत्ते, कुछ इस टाइप का इल्यूजन देखने को मिलेगा आपको। ऐसे तो ये जो हेड ऑन द प्लेटर इल्यूजन है, इसके अंदर जाने के लिए अपना मुंह निकालने के लिए इस तरफ से अंदर जाना होगा आपको। मैं आपको यहाँ का बेस्ट रूम दिखाने जा रहा हूँ, ये है इन्फिनिटी रूम। तो इन्फिनिटी रूम के हम अंदर चलते हैं। कितने ज़्यादा जस्मीद यहाँ पे हैं, अकेला मैं ही हूँ इस दुनिया में क्या, कोई आसपास नहीं है क्या? ऊपर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बस मैं हूँ, देखो कोई भी नहीं आसपास, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे। देखें ऑपरेशन की बावली की लोकेशन है हेली रोड, इस वक्त हम हेली रोड पे ही हैं, केजी मार्क नियर दीवानचंद इमेजिंग सेंटर नई दिल्ली में है ये, और यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन होगा बाराखंबा रोड का। तो अभी मैं अकमानी ऑडिटोरियम के पास में खड़ा हूँ, और यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगी। ऑपरेशन की बावली के पास आने की सबसे करीबी पार्किंग एरिया यही है,
और 1 किलोमीटर दूर आपको यहाँ से पैदल चल के जाना होगा। चलिए अंदर चलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे अग्रेशन की बावली, यहाँ से एंट्री होगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है आज। देखिए कितने ज़्यादा स्टेप्स हैं यहाँ पे, कुल 108 स्टेप्स हैं जो नीचे तक जाते हैं। बट अभी ना पानी भरा हुआ है थोड़ा सा नीचे, काला पानी, और थोड़ा सा आधा एरिया बंद करा हुआ है इन्होंने। 5:30 बजे के बाद ना यहाँ की एंट्री बंद कर दी जाती है ना, अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। और आसपास यहाँ कहीं आई थिंक लाइट भी लगी नहीं हुई, पता नहीं लगी होगी बट मुझे लग नहीं रहा कि लगी होगी। और नीचे भी इसके ना आई थिंक 30 स्टेप्स और होते थे बट अभी इसमें पानी भरा। अच्छा, तो यहाँ सामने से एंट्री है सेंट्रल पार्क की, और अभी यहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से लिखा है, वेलकम टू NDMC फ्लावर फेस्टिवल। इधर यहाँ देखिए सेंट्रल पार्क की टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, विंटर 7 AM to 8 PM और समर टाइमिंग्स होंगी 6 AM to 8 PM, और ये मंडे के दिनों में बंद रहेगा, बाकी ये सब चीज़ें अलाव नहीं है अंदर। रास्ता बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया, देखिए सारा रास्ता ऐसे बनाया हुआ है, और इस तरफ ये जो देख रहे हैं ये मोर है। नासिक ये साइड साइड के एरिया, बीच बीच के एरिया को भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। देखिए किस तरीके से लाइंस में फ्लावर्स लगे हुए हैं, बीच में शायद एक स्टेज एरिया भी है तो वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। अलग अलग फूल आपको देखने को मिलेंगे, स्प्रिंग सीजन बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का। तो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं हैंगिंग बास्केट्स हैं, इसका नाम हैंगिंग बास्केट्स है, इधर लिखा हुआ है हैंगिंग बास्केट्स। कुछ छोटी छोटी हैं और कुछ बड़ी बड़ी हैं। आगे में एक तितली देखने को मिल रही है और एक बड़ा सा जिराफ भी देखने को मिल रहा है, तो इनके साथ भी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से फूलों का डिस्प्ले किया गया, कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे, पर्पल हो गया, येलो हो गया। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ट्यूलिप्स हैं। और इधर भी देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया गया सेमी सर्कल सा। तो अलग अलग जगह दिख जाएंगी जहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये भी बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको फ्लावरिंग प्लांट्स दिख जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कितना सुंदर सा ब्रिज है, ये परमानेंट ब्रिज है, आप जब मर्जी आएंगे सेंट्रल पार्क में आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा। इसके नीचे से पानी भी बहता है बट अभी के टाइम पानी बह नहीं रहा। और एक ये पुल है, एक दूसरा पुल उस तरफ भी है, सेम पुल है ये, रंग बिरंगे पुल आपको देखने को मिलेंगे ऐसे दो। ये देखिए कितना सुंदर है, ओ ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए तीन कितने सुंदर तरीके से रेड हार्ट्स बनाए हुए हैं। ये भी काफ़ी बड़ी एरिया है फोलियाज प्लांट्स के, और इस पेड़ के नीचे आप बैठ भी सकते हैं, ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं। साफ़ सुथरा पार्क मैंने देखा काफ़ी। तो सेंट्रल पार्क के अंदर आपको बहुत सुंदर फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस तरफ ये फाउंटेन लगाए गए हैं, पर इसके टाइमिंग का अभी मेरे को पता नहीं। तो इसके चारों तरफ देखिए कितने सुंदर तरीके से फ्लोरल डिस्प्ले किया हुआ है। ये स्टेज एरिया के बिल्कुल पीछे है। और जो पाथवेज हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता बनाया हुआ है पिंक पर्पल कलर्स में। और इस तरफ ये देखिए ये सारा का सारा एरिया मैंने आपको दिखाया था, और इधर भी आप फाउंटेन वगैरह देख सकते हैं। पता नहीं ये चल रहे हैं नहीं चल रहे, बट शाम के टाइम अगर ये चलते हैं तो आपको बहुत सुंदर लाइटिंग भी देखने को मिलेगी इनके साथ में।